एपिसोड की स्टार्टिंग में इनो कहती है कि मैं कितनी ज्यादा यूजलेस हूँ, काश मैं तुम्हारे जैसी होती। ली कहता है कि मैंने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है फिर भी मैं आज यूजलेस हो गया। तभी वहाँ पर काकाशी युकीमारू को लेकर आते, उनके साथ बाकी सब लोग थे। ये देखकर साकुरा कहती है कि वो बच्चा कौन है। काकाशी कहते हैं कि ये वही लड़का है जो थ्री टेल्स को कंट्रोल कर रहा था, साय नारुतो को ढूंढ रहा था। काकाशी कहते हैं कि थ्री टेल्स गायब हो गया है, जैसे ही सीलिंग टीम रेडी हो जाएगी हम थ्री टेल्स को ढूंढेंगे और उसे सील कर देंगे। काकाशी कहते हैं कि मैं, यामाटो, कीबा, हिनाटा और शिजुने जाकर नारुतो को ढूंढते हैं, बाकी सब लोग यहीं पर रहो और साकुरा और इनो तुम इस बच्चे को हील करोगे। काकाशी और बाकी सब लोग निकल जाते हैं नारुतो को ढूंढने के लिए, लेकिन नारुतो उन्हें नहीं मिलता है। वहां पर इनो और साकुरा युकीमारू को हील कर रहे थे, ली ट्रेनिंग कर रहा था। साकुरा कहती है कि बाहर जाकर ट्रेनिंग करो। टेंटेन ली से कहती है कि हमें इन्हें गार्ड करना है। उधर नारुतो को होश आ जाता है, नारुतो को पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर। फिर नारुतो को याद आता है कि पिछली बार थ्री टेल्स ने उसे खा लिया था। नारुतो कहता है कि मैं थ्री टेल्स के पेट के अंदर हूँ। तभी वहां पर गुरेन आ जाती है। गुरेन नारुतो को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। नारुतो वो अटैक को डॉच कर लेता है। गुरेन नारुतो से कहते हैं कि मैं तुम्हें युकीमारू को लेने नहीं दूंगी। तभी वहां पर गुरेन बेहोश हो जाती है। नारुतो गुरेन के पास जा रहा था। उधर रिंजी अपने टीममेट्स के पास जाता है, उसके टीममेट्स उसे धोखेबाज कहते हैं। रिंजी वहां से चला जाता है। काबुटो रिंजी के टीममेट्स के पास आता है और कहता है कि तुम लोग 2-3 घंटे में मरने वाले हो। ये सुनकर रिंजी के टीममेट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। रिंजी के टीममेट्स काबुटो से कहते हैं कि हमें बचा लो, जो तुम कहोगे हम लोग वही करेंगे। तो काबुटो कहता है कि ठीक है। उधर युकीमारू को होश आ जाता है और वो कहता है कि मैं कहां पर हूं। साकुरा कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं। युकीमारू गुरेन का क्रिस्टल ढूंढने लगता है। उधर गुरेन को होश आ जाता है, उसके सामने नारुतो रहता है। नारुतो को देखकर गुरेन पीछे हट जाती है। गुरेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो वो नीचे गिर जाती है। गुरेन देखती है कि उसके पैर पर पट्टी बनी हुई थी। ये देखकर गुरेन नारुतो से कहती है कि तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। नारुतो कहता है कि मैं निहत्थे पर अटैक नहीं करता। गुरेन नारुतो से पूछती है कि युकीमारू कहां पर है। नारुतो कहता है कि शायद युकीमारू को तुम्हारे टीममेट्स लेके गए होंगे, नहीं तो मेरे टीममेट्स लेके गए होंगे। तभी नारुतो और गुरेन के पास छोटे छोटे थ्री टेल्स आते हैं उन्हें खाने के लिए। ये देखकर नारुतो वहां से भागने लगता है। गुरेन के पैर में मार लगने की वजह से गुरेन नहीं भाग पाती है, तो नारुतो गुरेन को लेकर भी भागता है। गुरेन नारुतो से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। उधर युकीमारू गुरेन का क्रिस्टल ढूंढ रहा था, उसे क्रिस्टल मिल जाता है। क्रिस्टल को देखकर युकीमारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि क्रिस्टल ठीक है, इसका मतलब गुरेन भी ठीक होगी। उधर नारुतो गुरेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सुनकर गुरेन कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों करो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हें अब तक खत्म कर देती। नारुतो कहता है कि तुम और ओरोचिमारू ऐसे ही है। गुरेन नारुतो से कहती है कि तो तुम्हें थ्री टेल्स का पावर चाहिए। ऑलरेडी लीफ लेश के पास 9 टेल्स है और एक जिंजूरी की भी। नारुतो कहता है कि तुम 9 टेल्स जिंजूरी के सामने हो। ये सुनकर गुरेन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। नारुतो कहता है कि हम ये सब बातें बाद में कर सकते हैं। नारुतो गुरेन से कहता है कि चलो हम फाइल कर ढूंढते हैं। गुरेन कहती है कि हम दो लोग कितने ही ढूंढेंगे सब। नारुतो कहता है कि किसने कहा हम दो लोग। फिर नारुतो अपने मल्टी शैडो क्लोन्स का यूज करता है, बहुत सारे शैडो क्लोन्स बना लेता है। उधर काबुटो ने रिंजी के टीममेट्स को कर्स मार्क दे दिया था। उधर नारुतो के क्लोन्स रास्ता ढूंढने निकल चुके थे। इधर युकीमारू कहता है कि मुझे पता है गुरेन और नारुतो कहां है, वो थ्री टेल्स के पेट में है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।